जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ इस चैनल पे सोशियोलॉजी की सारी वीडियो अवेलेबल है। सोशियोलॉजी से अगर आप चाहते हैं नेट क्वालिफाई करना तो काफी प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके नेट से संबंधित आप तैयारी कर सकते हैं। नेट से संबंधित क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट की जितनी वीडियो है उसको आप सुन जाइए, उसको टॉपिक वाइज सुनिए, आप देखिए सिलेबस में क्या है और यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को देख देख करके और नोट कीजिए, पॉइंट को याद कीजिए। और इसके साथ साथ एमसीक्यू बनाया हुआ हूं मैं, प्रैक्टिस कीजिए सोशियोलॉजी की हर एक टॉपिक पे। और जितनी भी सोशियोलॉजी की आप जो है ना, एक तो कंसेप्ट को आप मजबूत कीजिए, कॉन्सेप्ट में क्या है, सोशल ग्रुप, स्टेटस, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ थॉट पे आपका कमांड होना है, थॉट की जितनी वीडियो है, क्लासिकल थॉट पर पहले अगस्त कॉम्प्ट, मेल्डर खाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, टॉलकॉट पर्सन, जिसको बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया उसको आप करिए। उसके बाद मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को, और भी बहुत सारी वीडियोस है। तो चलिए इसमें हम लोग साथ साथ में थोड़ा मैं डिटेल में बात कर लेता हूं, ताकि क्या कह रहे कि बात पूरी हो जाए। साथ साथ में जो लोग ग्रुप सी आर्मी पुलिस, खास तौर से देखिए ग्रुप सी आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए GK 1 से 105 की एक प्लेलिस्ट है, इसका नाम है 105 वीडियो का सेट है, उसको तैयार कर जाइए। और जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए अलग से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी वीडियो है, एक एक वीडियो वन बाय वन आप पढ़िए और उसको कंप्लीट कीजिए, नोट लिखिए। बच्चे बार बार पूछते हैं कैसे तैयारी करें, तो हर एक चीज का, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन की, सेक्स एज कंपोजिशन की। ये आम तौर पे इस ये हर जगह ये सिलेबस है, ISPCS में भी पूछता है, UGC नेट में भी पूछता है, और PG के एग्जाम में भी ये सिलेबस है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि पॉपुलेशन में कंपोजिशन क्या क्या होता है, किन किन का रहना जरूरी है पॉपुलेशन के लिए। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। तो देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं व्हाट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन, और ये इस नोट के बारे में आपको ये बताइए, ये नोट पांच बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोगों द्वारा बनाए गए, पांच प्रोफेसर्स द्वारा मिलके बनाए गए नोट्स हैं, डॉक्टर गुजनफर आलम, डॉक्टर शाद अली, डॉक्टर मकसद हसन, डॉक्टर दीपक के मनोज पांडे और मैं खुद, सब लोगों ने मिल करके इसमें बहुत सारे 5 से 7 अच्छी अच्छी किताबों के सहायता से और लोगों के एक दूसरे के गाइड से इसमें काफ़ी रिव्यू हुआ है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने अवेलेबल है। तो जनसंख्या संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनती है, क्या है सेक्स और एज का क्या कंपोजिशन है, तो चलिए उसको हम देखते हैं। जनसंख्या संरचना देखिए, पॉपुलेशन कंपोजिशन ये है टॉपिक, और सेक्स एज कंपोजिशन। जनसंख्या संरचना का अभिप्राय आयु, लिंग, जाति, भाषा, व्यवसाय के अनुसार किसी देश की कुल जनसंख्या के वितरण से है, कि कुल जनसंख्या में कितने आयु के लोग हैं, 5 साल के कितने हैं, 10 साल के कितने हैं, 20 साल के कितने हैं, युवा के कितने। अपने प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि युवाओं का देश है, युवाओं का देश है, तो युवा का देश है तो जाहिर सी बात है डेवलप देश होगा, आगे बढ़ेगा, युवाओं में शक्ति है। तो कंपोजिशन पे रोल है, किसी देश में बूढ़े ज्यादा होते हैं, कहीं बच्चे ज्यादा होते हैं, भारत जैसे देश में युवा ज्यादा है, तो उस कंपोजिशन को समझना है। तो देश की कुल जनसंख्या का वितरण है कंपोजिशन का मतलब, जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत किसी देश की जनसंख्या के उन्हीं समूहों को मापने का प्रयास किया जाता है। प्रोफेसर वार्कले ने ही ठीक कहा है कि वो जनान के मानवीय जनसंख्या तथा संख्यात्मक चित्र लेखन है डिमोग्राफी
डेमोग्राफी कि कितनी जनसंख्या किसकी है, असल डेमोग्राफी में, डेमोग्राफी यानी जनांकिकी में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस देश की जनसंख्या में कितनी जनसंख्या है और किन किन क्षेत्रों में लगी हुई है और जनसंख्या का क्या अनुपात है, बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, महिला कितनी है, पुरुष कितने, ये कंपोजिशन। जनांकिकी की जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण में परिवर्तन लाने वाले तत्व, जैसे अब सवाल ये पैदा होता है किस देश की जनसंख्या, भारत जैसे देश की जनसंख्या ज्यादा क्यों है और अमेरिका की जनसंख्या उस हिसाब से क्यों नहीं बढ़ती, या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या क्यों कम है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या उतनी क्यों है, और कोई देश की जनसंख्या कम है किसी की, वजह उसकी क्या होती है, प्रजननता, मृत्यु दर, लिख लीजिएगा विवाह, प्रवसन। अब मान लीजिए कि किसी की शादी 15 साल में हो जाती है और कहीं शादी 35 साल में होती है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए, इस बात को आप लिखिएगा उदाहरण में कि 15 साल की व्यक्ति जब 35 साल तक होंगे तब तक तो इनको 10 बच्चा हो चुका होगा, अब 10 नहीं तो 5 तो मिनिमम होगा। अब आप अंदाजा कीजिए, अगर मान लिया नेपाल का व्यक्ति 15 साल में शादी करे, या कहीं का व्यक्ति 20 साल में शादी करता है, और कहीं का व्यक्ति 40 साल में भी शादी करता है, तो 20 साल में शादी करता है तो कम से कम 5 बच्चा उसको हो जाएगा 40 की उम्र तक, 40 वाला 45 तक में एक बच्चा होगा या दो बच्चा होगा, तब तक तो ये 8 हो चुका होगा। तो 20 की उम्र में जिस देश में शादी होगी तो वहाँ कम से कम 8 बच्चा तो हर व्यक्ति को होगा, और 40 की उम्र में शादी होगी तो वहाँ दो बच्चे से ज़्यादा तो होगा नहीं। तो आप जनसंख्या को ऐसे समझ लीजिए, तो विवाह की आयु का भी रोल है और साथ साथ में फर्टिलिटी का भी रोल है। अब आप ये बताइए, फर्टिलिटी का मतलब प्रजननता, प्रजननता का मतलब जो है जीवित चाइल्ड, चाइल्ड बियरिंग जो है होता है कि प्रेगनेंसी करने की क्षमता औरत में, या मृत्यु दर पे भी रोल है। अब मान लीजिए कि 20 साल का व्यक्ति शादी करेगा, 20 साल का लड़का या लड़की और 40 साल का लड़का या लड़की, तो क्षमता तो 20 साल वाले में ज़्यादा होगा, तो क्षमता 20 साल वाले में ज़्यादा होगा तो वो तो ज़्यादा काम कर सकता है, तो उसकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगी। लेकिन 40 साल वाले की आप जानते हैं कि धीरे धीरे फर्टिलिटी रेट घटने लगती है। तो ये सारे रीजन हैं। जनसंख्या के आकार के अध्ययन से किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के संबंध में हमें केवल सामान्य जानकारी मिलती है कि उस देश की उस राज्य की उस क्षेत्र की जनसंख्या किस प्रकार की है, किंतु जनसंख्या की संरचना के अध्ययन से हमें जनसंख्या की आकार और संरचना में अलग है, जनसंख्या की संरचना के अध्ययन से हमें उस क्षेत्र के जनसंख्या संबंधित सभी विशेषताओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो जनसंख्या की विस्तृत जानकारी के लिए हम लोग जनसंख्या संरचना को देखते हैं। आगे आइए, प्रोफेसर हॉले का विचार है कि जनांकिकी से केवल 4 उद्देश्यों से जनसंख्या की संरचना का अध्ययन किया जाता है। संरचना संबंधी सूचनाएं जनसंख्या वितरण कैसे स्पष्ट को स्पष्ट करती है तथा दो स्थानों की जनसंख्या की तुलना को संभव एवं सार्थक बनाती है। समाज की काम शक्ति अथवा मानव शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। जनसंख्या की आयु एवं वैवाहिक स्तर की सूचनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है किस देश की जनसंख्या को देख करके। जनसंख्या की संख्या समाज संरचना समाज के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारतीय संदर्भ में जनसंख्या संरचना का अध्ययन अनेक प्रकार से संभव है, जैसे जनसंख्या की बनावट, लिंग, आयु, इन सब, ये सब पॉइंट है, अलग अलग भी नोट कर सकते, जाति, भाषा, साक्षरता। अब मान लिया एक साक्षरता, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या आदि। अब हम एक उदाहरण को आपको समझा रहे हैं, आप हर एक पॉइंट को अलग अलग भी क्या कह रहे हैं अपने नोट में या आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब मान लिया कि शिक्षा है, सपोज अब किसी देश का व्यक्ति शिक्षित है और कोई मान लिया शिक्षित व्यक्ति शादी कब करेगा, ये बताइए, आप बताइए, शिक्षित व्यक्ति नौकरी का इंतजार करेगा, कितने साल में नौकरी मिलेगी, आजकल की हालत क्या है, कम से कम 35 साल लग जाएगा पीएचडी करने में और
शिक्षा हासिल करने में, नौकरी प्राप्त करने में मिनिमम, अब 35 साल में नौकरी लगी तो 35 से 40 के बीच में शादी होगी, 35 से, वही बात जो आपको पीछे बताया, अब 35 से 40 के बीच में शादी होगी तो कितना बच्चा हो पाएगा एवरेज, आप ये समझिए। अब जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, तो उसने कारोबार शुरू कर दिया 20 साल की उम्र में, कितना इंतजार करेगा, 25 में शादी कर लेगा। अब 25 में जो व्यक्ति शादी कर लेगा 25 साल की उम्र में, तो उसको 40 तक आते आते 5 बच्चा तो ऐसे ही हो जाएगा, मिनिमम मिनिमम की बात हो रहे हैं, और एक दो और बढ़ गया तो 7 तो खैर उसकी झोली में आना है। अब 7 आ गया, अब 25 की उम्र में यानी अशिक्षित व्यक्ति शादी करेगा तो कम से कम 7-8 बच्चे होंगे, और शिक्षित व्यक्ति शादी करेगा तो अधिक से अधिक 2, खूब ज़्यादा कोशिश करेंगे तो कितना होगा। तो ये है कहानी, तो ये सब आप समझ लीजिएगा, आगे बढ़िए। आयुत्तर लिंग, किसी स्थान की जनसंख्या दूसरे स्थान अथवा समय से समय में अनेक आधारों पर भिन्न होती है, किंतु जनांकिकी में विशेषकर दो ही आधारों के अनुसार जनसंख्या की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये दो आधार हैं लिंग एवं आयु। अब ये समझिए, ये दो आधार कौन है, एक है आयु संरचना, तो मैं आपको बता दूं आयु संरचना, जनसंख्या की आयु संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों के बीच जनसंख्या के वितरण से है। आयु संरचना का अध्ययन लिंग संरचना की भांति स्पष्ट और सरल नहीं है। आयु संबंधी सूचनाएं अस्पष्ट होती है तथा जानबूझकर गलत सूचनाएं दी जाती है। किसी एक आयु वर्ग की स्त्रियां या पुरुष वास्तविकता से कम अथवा अधिक उम्र बताते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि आयु जनसंख्या की संरचना को समझने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके आधार पर जनसंख्या के भविष्य के संबंध में अनुमान लगाए जा सकते हैं। तथा वर्तमान की तमाम आर्थिक समस्याओं को समझा जा सकता है। एक व्यक्ति किसी उम्र में स्कूल जाता है, श्रम शक्ति में प्रवेश करता है, मताधिकारी बनता है, विवाह करता है, कार्य मुक्त होता है आदि महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जनसंख्या की आयु संरचना से संबंधित सूचना निम्न कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्रम शक्ति के प्रकार की जानकारी, ठीक है, श्रम शक्ति के प्रकार की जानकारी, आयु संरचना का अध्ययन कुल जनसंख्या श्रम शक्ति के अनुपात निश्चित करने में सहायक होती है। जनसंख्या की कार्यकारी आयु 15 से 60 वर्ष तक मानी जाती है। जनसंख्या का क्या कह रहे, ऊंची आश्रित जो है अल्प विकास का लक्षण होता है, ऊंचा आश्रित। विवाह योग्य आयु के व्यक्तियों की संख्या की जानकारी भी आयु संरचना द्वारा प्राप्त किया जाता है। जनसंख्या में मतदाताओं के अनुपात की जानकारी भी आयु संरचना द्वारा करते हैं। ये सारी चीज, ये सारे पॉइंट हैं, इसको आप लिख लेंगे। समाज के उपभोग के स्वरूप का निर्धारण, समाज के उपभोग के सही रूप का निर्धारण, जनसंख्या विकास की अवस्था का ज्ञान, लिंग संरचना, आप समझिए लिंग संरचना, वैवाहिक संरचना, लिंग संरचना। जनसंख्या को लिंग के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, पुरुष एवं स्त्री। जनसंख्या के लिंग संरचना का अभिप्राय कुल जनसंख्या में स्त्री एवं पुरुषों के अनुपात से है। लिंग अनुपात को स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष कहकर पुकारा जाता है। एक आदर्श जनसंख्या वो होती है जिसमें पुरुष एवं स्त्रियों की संख्या सम हो। लिंग अनुपात किसी विशिष्ट समय पर किसी देश, स्थान, जाति विशेष के उस अनुपात को दर्शाता है जैसा कि उस समय के पुरुषों की संख्या के बीच पाया जाता है। लिंग अनुपात से के द्वारा किसी देश की श्रम संरचना, समझिए इसको, किसी देश की श्रम संरचना, विवाह की आयु तथा राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी गणना निम्न सूत्र के द्वारा होती है। अब देखिए लिंग संरचना की गणना होती है, SR बराबर M/F गुने 1000। SR का मतलब लिंग अनुपात, SR का मतलब होता है लिंग अनुपात, M का मतलब पुरुषों की संख्या और F का मतलब महिलाओं की संख्या। जनसंख्या की लिंग संरचना से संबंधित कारणों को महत्वपूर्ण माना जाता है। जन्म मृत्यु दर के निर्धारण में
महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये रहा कुल मिलाकर के, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। नेट के एग्जाम में विशेष करके बहुत फार्मूले पूछे जाते हैं, और अगर आप एग्जाम देते हैं कोई भी और उस एग्जाम में अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो वो आपके लिए मार्क्स आपको बढ़ा देता है। तो एस आर बराबर लिंग अनुपात बराबर एस आर बराबर एम बाई एफ इंटू 1000। तो ये है कुल मिलाकर के। मैं आपको ये कहूंगा कि अच्छे से कंपटीशन की तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।